वृंदावन में उस समय तक बाबा जी का मंदिर नहीं बना था, केवल एक चबूतरा नुमा समाधि स्थल का निर्माण हुआ था कलश के ऊपर। वहीं सुबह शाम आरती पूजन होता था। बाबा जी के भक्त हेमदा की पत्नी अपनी ओर से अलग से भी आरती पूजा किया करती थी। एक दिन जब वे आरती पूजन कर रही थी तो बाबा को उस चबूतरे पर खड़ा देखा। बाबा को साक्षात सामने देखकर वो भावावेश में आ गईं और तन्मय होकर रोली से चबूतरे पर राम राम लिख दिया। बाबा अदृश्य हुए तो उन्होंने आकर श्री माँ को सारी कथा बयान की, अपने भक्त के इस भाव को कि बाबा जी कहीं नहीं गए हैं। बाबा जी ने दर्शन देकर पुष्टि कर दी। नन्ही माई ने भावपूर्ण होकर रोली से जो राम राम लिखा था वह रोज धुलाई पोछाई के बावजूद भी बना रहा। यह भी बाबा की लीला थी। वो तभी मिटा जब मंदिर निर्माण के बीच वो चबूतरे ही ध्वस्त हो गया। जय हो नीम करोली बाबा की सदा जय हो, माँ सिद्धि की सदा जय हो। बाबा सदा अपने भक्तों का कल्याण करना प्रभु, कल्याण करना प्रभु। जय हो बाबा, जय हो, सदा जय हो।